नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन भी तुहाडा स्वागत है। नजर पौने पंजाब सूबे समेत दुनिया भर दीआं वड्डीआं खबरां ते। कोरोना वायरस का प्रकोप वध्या, पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 26,291 केस। देश के 5 सूबे में आए कोरोना के सब तो ज़्यादा नवे मामले, पिछले 24 घंटे में 118 लोगों ने तोड़िया दम। महाराष्ट्र में बीते दिन 16,000 तो वध एक्टिव केस मिले, ये पिछले 62 दिनों तो सब तो ज़्यादा अंकड़ा। मायावती का ऐलान, इस बार नहीं करेगी किसी ना गठबंधन, अपने दम से लड़ेगी यूपी की चोणा। सेल ते सरकारी बैंक हड़ताल ते आज 10,00,000 कर्मचारी बैठे, बैंकों में कामकाज रहा ठप। किसानों के समर्थन में आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बोले मैं रखवाई सी टिकैत दी गिरफ्तारी। सैलानियों में वध्या अटल रोहतांग सुरंग, देखने का क्रेज बनिया 3,950 वाहनों के गुजरन का रिकॉर्ड। पंजाब विच मुड़ तो कोरोना का प्रकोप, 1501 नवे मामले, 20 लोगों की एक दिन च मौत। वधे कोरोना नूं देख पंजाब दे विच स्कूल बंद, लेकिन हजारां की भीड़ जुटाने वाली सियासी रैलियां ते पाबंदी अजे भी नहीं। किसानों के पश्चिम बंगाल विच जाण उत्ते भड़के खेती मंत्री, बोले अपना हो नहीं रहा, दूजियां की ठेकेदारी लै रहे किसान। सियासी लीडरां नूं सुप्रीम कोर्ट का झटका, नोटां नूं पैण वध वोट तां सारे उम्मीदवार रद्द मन्ने जाण। सुरक्षा बलों नाल मुकाबले च जैश दा चोटी दा कमांडर सज्जाद अफगानी ढेर। चंडीगढ़ ते पंजाब सने कई सूबों में बारिश, मौसम विभाग ने दित्ती भविष्यवाणी। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, ज्यादा खबरां वेखण लई तुसीं देखदे रहो सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।